एक्सरसाइज 11.3 समरूपता में एग्जांपल नंबर 7 है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा सीडी के मध्य बिंदु एम को बी से मिलाने वाली रेखा एसी को एल पर काटती है। यदि एडी व बीएम को आगे बढ़ाएं तो वह ई पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि ईएल बराबर 2BL। इसमें समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एबीसीडी ये बन गया समांतर चतुर्भुज। शो कर देते हैं ए बी सी डी। सी डी के मध्य बिंदु एम को, सी डी का मध्य बिंदु ले लेते हैं एम। इसको मिलाया किससे, किससे मिलाना है, बी से मिलाना है, से मिला देंगे। तो एससी को फिर एल पर काटेगी, एससी को भी मिला देते हैं। तो ये कटान बिंदु कहां पर क्या रहा है, एल। यदि एडी व बीएम को आगे बढ़ाएं, एडी को आगे बढ़ाएं और बीएम को आगे बढ़ाएं, प्रकार से बीएम को आगे बढ़ा देते हैं। तो कहां पर काटती हैं, ये ई पर मिलती है, ये बिंदु आ गए ई। अब जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे, दिया हुआ है वो लिख देंगे। लिखते सीधी उत्पत्ति, जो दे रखा है वो दिया हुआ, पूछा है वो सिद्ध करना। उत्पत्ति में ले लेंगे त्रिभुज डीएमई बीएमसी, बीएमसी मतलब ये वाला, और डीएमई ये वाला त्रिभुज बीएमसी व त्रिभुज डीएमई में अब इसमें क्या क्या है, ये कोण बराबर ये कोण है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका तो एंगल सी एम बी, एंगल सी एम बी बराबर इसका एंगल कौन सा होगा, डी एम ई, डी एम ई ये बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण और एम मध्य बिंदु है, तो इस त्रिभुज की सीएम और इस त्रिभुज की डीएम, त्रिभुज बीएमसी की तो भुजा सीएम और डीएमए की भुजा बीएम, क्योंकि एम सीडी का मध्य बिंदु है। और कोण एमसीबी ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये कैसे हैं,
एकांतर कोण है, सीडी क्या हो जाएगी तिरेक रेखा, एडी और बीसी समांतर रेखा है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो एंगल एमसीबी बराबर एंगल एमडीई एकांतर अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। तो कोण बराबर हो गए और एक एक भुजा बराबर हो गई, तो ये हो जाएगी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से सर्वांग समता से इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज बी एम सी कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम त्रिभुज डी एम ई, इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, घोषित कर दिया। अब जब हमने इनको सर्वांग सम कह दिया तो सर्वांग सम की सभी चीजें बराबर होती हैं, इसलिए इसकी भुजा बीसी और डीई को हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए बीसी बराबर लिख सकते हैं डीई। ये एंगल हो गया फर्स्ट, और बीसी और डीई बीसी और एडी बराबर है, लेकिन बीसी बराबर है एडी के, बीसी और एडी के बराबर है क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं सम्मुख भुजाएं या एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए ये क्या है, बराबर है। समीकरण एक व दो से बीसी बराबर डीई, बीसी बराबर एडी, एलएचएस समान है तो आरएचएस समान कर देंगे, इसलिए एक व दो से क्या आ गया, डीई बराबर एडी, डीई बराबर एडी, समीकरण तीन दे दिया। अब डीई और एडी बराबर हैं, और एई क्या है, एडी प्लस डीई, चूंकि एई बराबर क्या है, एडी प्लस डीई के बराबर है, और डीई और एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, इन दोनों को बीसी लिख सकते हैं, इसको चार दे देते हैं। समीकरण एक दो व चार से हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर बीसी प्लस बीसी, एडी और डीई बराबर हैं और दोनों ही बीसी के बराबर हैं, और ए का मान किसके बराबर है, एडी प्लस डीई, तो इनको क्या लिख दिया, बीसी प्लस बीसी लिख दिया, तो ये ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर आएगा टू बीसी। समीकरण पांच दे देंगे। अब इसी प्रकार हम करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे ए एल ई और बी एल सी, त्रिभुज ए ए एल ई व त्रिभुज बी एल सी में
कोण ए एल ई, ये वाला कोण बराबर क्या होगा बी एल सी, ये वाला कोण एंगल बी एल सी, क्यों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, और क्या बराबर है कोण ई ए एल, ये वाला कोण इसका, और त्रिभुज बी एल सी में ये वाला कोण, ये क्या होंगे एकांतर कोण हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी तीर्घ रेखा बन जाएगी, एडी समांतर बीसी है, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीर्घ रेखा काटती है तो एकांतर में बने कोण बराबर होते हैं, तो क्या लिख सकते हैं एंगल ई ए एल बराबर एंगल बी सी एल, ये होंगे एकांतर कोण। तो दो चीजें बराबर हो गई, दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर होने पर हम दो त्रिभुजों को, दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं, इसलिए एंगल एंगल सिमिलरिटी समरूपता से इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कह सकते हैं त्रिभुज ए एल ई समरूप त्रिभुज बी एल सी, और जब दो त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं तो उनकी भुजाएं क्या लिख सकते हैं समानुपाती लिख सकते हैं, तो इस त्रिभुज की ई एल भुजा ले लें अनुपात में, इसके सामने वाले ले लेंगे बी एल, ई एल अपॉन बी एल बराबर, अब इस त्रिभुज के ले लें ए ई, तो इस त्रिभुज की क्या आ जाएगी बी सी, ए ई अपॉन बी सी, बी सी वाली लेनी है क्योंकि पीछे क्या है ए बराबर टू बी सी है, ए को क्या लिख देंगे समीकरण पांच से टू बी सी लिख देंगे, ए बराबर क्या टू बी सी, इसको समीकरण दे देंगे छ, तो ई एल अपॉन बी एल बराबर ए को क्या लिख दिया समीकरण पांच और छह से, समीकरण पांच व छह से ई एल अपॉन बी एल बराबर टू बी सी अपॉन बी सी, बीसी से बी सी कट जाएगा, ई एल बराबर क्या आएगा ई एल अपॉन बी एल बराबर क्या बचेगा टू, बी एल ऊपर चला जाएगा, एल बराबर क्या आएगा टू बी एल, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।